कि अयोध्या में फ्री में खाना आपको कहां पर मिलेगा? बिल्कुल भी फ्री बात है, तो आपको खाना मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, लोकल लोगों को नहीं मिलता है। फैमिली के साथ। अच्छा, ऐसा है। जय श्री राम भाई लोग। भाई लोग, अगर आप कहीं से भी हो, किसी भी भारत के कोने से अगर आप अयोध्या में दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के आते हो, तो आज की वीडियो दोस्तों ये है, स्पेशली आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिकॉज आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अयोध्या में फ्री में खाना आपको कहां पर मिलेगा, बिल्कुल भी फ्री भाई, एक भी रुपए नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीजें आज मैं बताऊंगा आप यहां पर कैसे पहुंचोगे। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना गाइस, बहुत मजा आएगा। और साथ में मैं आप सभी को प्रभु श्री राम जन्मभूमि की कार की अपडेट भी आज ही बताऊंगा आप सभी को, क्या कैसे कितना चल। अगर मैं आप सभी को सबसे पहले बात करूं कि यह खाना आपको मिलता कहाँ पे है, ये दोस्तों खाना आपको फ्री में जो मिलेगा भाई, अमावा राम मंदिर, जो कि ये मेरे सामने दिख रहा है, अमावा राम मंदिर ये है, और इसी के बगल जस्ट वो पीछे जो कार्य चल रहा है भाई, वो राम जन्मभूमि का है। वहाँ का कार्य की जो चल रहा है, कितना हुआ, क्या अपडेट है, यहाँ से आप खड़े होकर आराम से इजिली देख सकते हो। और मेरे पीछे जो दिख रहा है दोस्तों, वो है राम रसोई, यहीं पर मिलता है फ्री का खाना। तो चलिए हम भी चलते हैं और आज हम भी खाएंगे और आप सभी को पूरा डिटेल्स में दिखाएंगे भी कि क्या प्रोसेस है उस खाने का, क्या कैसे मिलता है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उस काउंटर के पास, वहाँ पे देख लो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, सारे लोग दोस्तों वहाँ पे खाने के लिए लाइन लगे हुए हैं। और भाई भारत के कहीं से भी अगर आप आते हो, सबके लिए भाई बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, एक भी रुपये नहीं लगेगा, किसी भी धर्म के हो, जात के हो, किसी भी कोई भी मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर आते हो तो सबको भरपेट खाना मिलेगा। सबसे पहले चलिए हम चलते हैं इस काउंटर के पास, देखते हैं क्या प्रोसेस है इसका। भाई सबसे पहले हम चलते हैं, अपना पर्ची लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, निःशुल्क फ्री यहाँ पर कूपन प्राप्त करें। और दोपहर 11:30 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चलता है राम रसोई है। जी भाई संतोष भाई, ये तो तुम्हारा आधार कार्ड है यार, यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास रहना कंपलसरी है, बट हमारे पास तो भाई मैं लेके नहीं हूँ। चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आगे क्या कंडीशन है। क्या हुआ भैया? पहले दोस्तों यार, अगर आप फैजाबाद के, तो आपको खाना मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ के हो, लोकल तो नहीं मिलेगा आपको, बाहर से हो कहीं से तो मिलेगा, लोकल लोगों को नहीं मिलता है। फैमिली के साथ। अच्छा ऐसा है गाइस, यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना भाई, फ्री का खाना तो बिल्कुल भी मिल रहा है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उसको आप फिलअप करोगे, आपको खाने के लिए सारा सिस्टम मिल जाएगा। बट भाई यहाँ पे एक कंडीशन है यार, कि यहाँ के अगर कोई लोकल बंदा होगा तो उसको नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि यार हम लोग लोकल है, फैजाबाद अयोध्या के ही यार, हम लोगों ने आधार कार्ड जैसे दिया, बता रहे तुमको खाना नहीं मिलेगा भाई, ये तो यार सिस्टम कुछ गड़बड़ है भाई, बट क्या ही बोले, कोई ना भाई, बाहर वालों के लिए अगर आप भारत के किसी भी कोने से आते हो तो आपको यहाँ पर फ्री में खाना मिल जाएगा। और टाइमिंग तो मैंने आप सभी को बताया भाई, 11:30 बजे से लेके शाम 3 बजे तक चलता है। यही है गाइस मेरे सामने जो दिख रहा है, अमावा राम मंदिर का मेन पार्ट, जहाँ से आप अंदर जाकर के आराम से इजिली खाना खा सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कितनी जोरदार भीड़ है, अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे शूज अपने उतारने पड़ेंगे सारे, उसके बाद अंदर का व्यू आपको मैं दिखाऊं भाई, थोड़ा जूम करता हूँ फिर अंदर दिखाता हूँ। देखो सारे लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, देखो अंदर में किस तरह से यहाँ पे सारे लोग ऐसे लाइन से बैठेंगे, फिर आराम से इजिली यहाँ पर खाना दिया जाएगा सर। ये देखो हमारे भाई साहब भी लाइन लगाए खाना खाने के लिए। ये अमावा राम मंदिर है, अमावा मंदिर जिसके अंदर आप खाना खा, और इसी के जस्ट बगल ही भाई यहाँ से आप राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।